मनीष शर्मा मेरे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या हालचाल वहां पर आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, अभी तक का ताजा अपडेट यह है कि कुल 102 विधायक, जी हां 102 विधायक भीतर पहुंच चुके हैं। अब महज 13 विधायक आने बाकी हैं। समय आपने बताया 4 बजे का, वो तय है। अभी लंच की प्रक्रिया वहां भीतर चल रही है और अभी अभी बीकानेर की विधायक सिद्धि कुमारी गई हैं। तो ऐसे में 12 विधायक आने बाकी हैं और उनमें से वसुंधरा तो खुद, जैसा आप बता रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के साथ बातचीत में है और सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम के बीच में कई लेयर की सुरक्षा साफ तौर पर नजर आती है। इस बीच में एक घटनाक्रम बदला है और जो केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उनको भी यहां बुलवाया गया है। उसकी क्या वजह है इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कैलाश चौधरी को जयपुर बुलवाया गया है और संभवतः वो भी कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर आ सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने तमाम वो नेता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ बुला रही है, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो और अब कैलाश चौधरी का नाम आया है कि उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। समझा जाता है कि जो समूहों में विचार विमर्श होंगे उनमें राय शुमारी के जरिए एक नाम पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा और उसी के चलते बीजेपी दफ्तर पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है। जी अखिलेश जी, ठीक है मनीष, जैसे ही कुछ अपडेट हो बीजेपी दफ्तर में और ज्यादा कोई जानकारी आपको वहां से मिले, कुछ हलचल हो, आप मुझे बताइएगा, तुरंत आपके पास मैं लौटूंगा। लेकिन नीरज पांडे के पास अब चल लेते हैं। नीरज उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर इस वक्त पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह से लेकर सरोज पांडे, विनोद तावड़े, सीपी जोशी भी वहां पर हैं, वसुंधरा राजे भी हैं। नीरज, क्या खबर है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अखिलेश, यहाँ की बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह और दोनों पर्यवेक्षक यहाँ पहुँच गए हैं। उनके साथ प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, वो भी पहुँच गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि ये सभी नेता लगातार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संपर्क में है और लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ की सारी परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत करा दिया गया है, बातचीत हो रही है और माना यह जा रहा है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक बैठक के 10 से 15 मिनट पहले राजनाथ सिंह जी का फोन आ सकता है और उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमांड कह सकते हैं या जो कह सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व, तो उसने क्या निर्णय लिया है वो उस समय पर्यवेक्षकों को बताएगा और उसी नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा और विधायकों की सहमति ली जाएगी। अगर कोई असहमति होती है तो फिर बाद में कुछ विचार किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जब वो नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा तो वही अंतिम सत्य होगा, वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। लेकिन अब तक उस नाम का खुलासा नहीं किया गया है, पर्यवेक्षकों को भी वो नाम नहीं बताया गया। ये अलग बात है कि पर्यवेक्षकों की लगातार बात जेपी नड्डा जी से हो रही है। भाजपा अध्यक्ष दिल्ली में जरूर बैठे हैं लेकिन उनकी नजर राजस्थान पर है और वो पर्यवेक्षकों से मेरी जो जानकारी अगले 2 मिनट पहले भी आप सही कह रहे हैं, नजर जाहिर तौर पर यही होगी। बीजेपी ऑफिस भी जरा चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, कुछ नई जानकारी वहां से मिल पा रही है? कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे क्या? क्या चल रहा है? कुछ जो चौंकाने वाली बात बार बार कही जा रही है कि बीजेपी चौंकाने में माहिर हो चुकी है, कुछ उस तरह की भी जानकारी है क्या? देखिए, जो चौंकाने वाली आप बात कर रहे हैं उसमें अखिलेश, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ और मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ, चर्चाएं बहुत दिलचस्प है। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ अखिलेश, ये खुले मन से कह रहा हूँ कि ये मत समझिएगा किसी सोर्सेस के हवाले से कह रहा हूँ। चर्चाएं यहाँ तेज हैं कि भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं, पहली प्रदेश महामंत्री हैं उनका नाम, और अनीता बघेल का नाम जो अजमेर साउथ से विधायक हैं, ये दो नाम की चर्चाएं यहाँ काफ़ी तेज हैं। इस दायरे में, ये दायरा देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ आपको पुलिस दिखाई पड़ रही है, कुछ कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं और वहाँ से लेकर के ये रास्ता जाता है पार्टी कार्यालय। ये जो यहाँ से 100 मीटर का दायरा है ये अपने आप में 100 कयासों का दायरा है और इन 100 कयासों में कुछ कयास हैं जो तेज हो जाते हैं, वो बाकी के 98-99 कयासों को पीछे छोड़ के आगे का गेयर लगा देते हैं। तो ये दो नाम इस समय आगे के गेयर में चल रहे हैं। यहाँ जबरदस्त चर्चा है भजन लाल शर्मा के नाम पे, अनीता बघेल के नाम की चर्चा है और कहा जा रहा है या तो कोई यहाँ से, चूंकि वो जनरल कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, वो जो है महिला हैं, दलित चेहरा हैं, ये इक्वेशन बढ़ाए जा रहे हैं। ये इक्वेशन बड़े दिलचस्प हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपको याद होगा आपने राग दरबारी पढ़ी होगी, ये राग दरबारी राजनीति का राग दरबारी यहाँ पर हो गई है, या जो भी आ रहा है यहाँ लॉजिक लेकर के आ रहा है और उस इक्वेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। जी
जी अभिषेक बिल्कुल, और मनीष के पास भी एक बार फिर से मैं चलना चाहूंगा, बीजेपी ऑफिस से लगातार वो जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष, क्या आपको लगता है कि वाकई में अभी भी कुछ आत्ममंथन हो रहा होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या नाम लिखकर पर्ची में वो चीजें अब तय कर ली गई होंगी? अखिलेश, कोई आत्ममंथन की जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो बीजेपी आलाकमान तय कर चुका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि यहाँ पर भी नया चेहरा होगा, इस तरीके के कयास लग रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री हमेशा से चौंकाते रहे हैं, वही यहाँ का भी होने वाला है। नाम ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा। मेरे सहयोगी अखिलेश जिन नामों की बात कर रहे थे अभी, अभिषेक उपाध्याय, तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ इसी तरीके के नाम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वही नाम होंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में एक नाम श्रीचंद कृपलानी का मैं अभिषेक के साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अनुभवी हैं, बीजेपी के पुराने आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। कुछ देर पहले जब वो यहाँ आए तो मैंने उनसे मजाक में कहा भी तो कि आपका नाम चल रहा है, तो बोले कि नाम तो सभी का चल रहा है, हम सभी 115 विधायकों का, लेकिन जो भी नाम होगा अखिलेश वो बेहद चौंकाने वाला होगा। और जो अभिषेक आपको नाम बता रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी दौड़ में है, इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है। मुझे अभी जो मेरे कुछ दिल्ली के मित्र हैं, उन्होंने एक नाम बताया, मनीष सुनील आ रही है ना, चौंकाने वाली बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।